हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन कंसल्टेंसी। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है और सूरज की रोशनी पड़ रही है काफ़ी तेज, तो लोगों को सनबर्न हो रहे हैं। तो आज की वीडियो हम सनबर्न के ऊपर ही बनाने वाले हैं। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा जिससे आप सनबर्न से बच सकते हैं, और जिन लोगों को भी रेडनेस हो जाती है स्किन में सन की वजह से, या सन बर्निंग हो जाती है या रेडनेस हो जाती है, तो वो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और इसके बारे में मैं आपको काफ़ी नॉलेज दूंगा, और वो ये प्रोडक्ट है हमारा फोटोस्टेबल जेल। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर लोगों को बहुत कम नॉलेज है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ सनस्क्रीन के ऊपर। और इसके अंदर जो आप सबसे पहले चीज़ देख पा रहे हो, SPF 40 क्या होती है, PA++++ क्या होता है, और ये 8 आवर सेक्शन क्या लिखा हुआ है, और कैसे ये हमारे को सन से बचाता है, ये भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में सन फार्मा कंपनी का है, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको SPF के बारे में। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में किस तरह से SPF यूज़ करना चाहिए, 30 करना चाहिए, 40 करना चाहिए, 50 करना चाहिए। तो जो भी आपको मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर की सलाह से लें। जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, डॉक्टर की सलाह भी इसमें अवश्य लें। SPF के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 का मतलब होता है जो आपको 30 मिनट तक सन की रोशनी से, जो UV रेज होती हैं हमारी, वो दो तरह की होती हैं, एक तो UVA और एक UVB। तो जो मेन बर्निंग का काम करती हैं वो UVB रेज होती हैं, और UVA भी हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, पर वो बर्निंग का काम नहीं करती। वो UVB रेज होती हैं जो हमारी वो स्किन बर्निंग में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी। तो SPF के अंदर 40 का क्या मतलब है, 40 का मतलब है जो 40 मिनट तक आपको सन बर्न होने से बचाएगा, कंटिन्यूसली सन की रेज आपके ऊपर पड़ती हैं तो। और इसके अंदर ये PA++++ का मतलब है कि UVA रेज से भी बचाएगा, इसलिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखाया है सन फार्मा का फोटोस्टेबल। और ये जेल बेस में है, और इसमें एक और भी खूबी है कि ये मैट फिनिश देता है आपको, और 8 घंटे का एक्शन दिखा रखा है इसमें। लेकिन एक्चुअली जो सन की बर्निंग स्टार्ट होती है स्किन के ऊपर, उससे ये 40 मिनट्स तक बचाएगा। तो आपको सनस्क्रीन लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। सनस्क्रीन को हमें दिन में 3 बार ही लगाना चाहिए, एक बारी सुबह 9 बजे, एक बारी दोपहर को 12 बजे, और एक बारी दोपहर को 3 बजे, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ जिनको कम प्रॉब्लम रहती है सन बर्निंग की, वो सुबह 9 बजे और दोपहर को 3 बजे भी लगा सकते हैं। और ये वाला जो है आपको PA++ नज़र आ रहा है, ये UVA रेज से भी बचाएगा आपको, और बहुत ही बढ़िया कंपनी का है, और 8 घंटे तक आपको सन बर्निंग होने से बचाता है ये। और हाइपो एलर्जिक भी है ये। हाइपो एलर्जेनिक का मतलब क्या होता है, कि जो आपको एलर्जी ना प्रोड्यूस करे। और दोस्तों, पैराफिन और पैराबिन, ये दो लुब्रिकेंट होते हैं हमारे, उनसे भी ये फ्री है ये वाला प्रोडक्ट, और अल्कोहल भी नहीं है इसमें, और दोस्तों पसीना आएगा तो उससे भी ये हटेगा नहीं, तो वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दो मेन प्रोडक्ट हैं, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ज़्यादा केमिस्ट्री तो आप समझ नहीं पाओगे, बाकी जिंक ऑक्साइड एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारी हेल्प करता है सन बर्निंग से बचाने के लिए। तो दोस्तों, एक बात और, गर्मी बहुत हो रही है, तो आप किसी बर्तन में पानी वगैरह डाल के, जो बाहर डॉग्स वगैरह या कोई भी जानवर घूमते हैं उनके लिए पानी डाल के रखो थोड़ा सा बाहर, ताकि वो लोग भी, बेजुबान जानवर हैं, मांग नहीं सकते कुछ, तो गर्मी में उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, पानी वानी मिल जाएगा उनको पीने के लिए। और मेरे चैनल, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ चैनल में, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे लोगों तक भेजो इसको आगे। थैंक यू।